आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट टाइम्स टीवी और हम इस वक्त मौजूद हैं नया बाज़ार में। और जो दालें हैं, दालों का क्या भाव चल रहा है, जैसे हरड़ की दाल है और मटर की जो दाल है मटर, उस पर आज हम खास बातचीत करेंगे और उनके भावों को जानने की कोशिश करेंगे कि उनके भावों में क्या उभार आ रहा है और क्या जो है मार्केट डाउन जा रही है। सर ये बताइए कि मटर जो है, मटर का क्या भाव है और बाजार में क्या स्थिति लग रही है, इसकी आगे भाव चढ़ेगा या कम होगा? मटर का इस टाइम पे मटर का इंपोर्ट खुला हुआ है तो इसलिए मटर काफ़ी मंदी है। पहले मटर की थोड़ी शॉर्टेज थी, फसल कम थी, पहले इंडिया से या यूपी से ही आती थी, अब बाहर से मटर का इंपोर्ट खोल दिया है तो इसलिए मटर काफ़ी मंदी है। मटर की पैदावार भी खूब अच्छी है, इस टाइम पे मटर का भाव चल रहा है 45 रुपये फिल्टर माल, और किसानी माल का भाव है इस टाइम पे 37-38 रुपये मटर का भाव चल रहा है। तो मटर काफ़ी मंदी है, बहुत ज़्यादा मंदी है जी। क्यों मंदी है, क्या वजह? मंदी की वजह यही है, पहले इंपोर्ट बंद था, बाहर से मटर आ नहीं पा रही थी, अभी कनाडा से बहुत ज़्यादा आई हुई है तो इसलिए मटर मंदी है। पहले काफ़ी तेज़ थी क्योंकि हमारे यहीं पर यहीं से आती थी यूपी से, और फसल भी कम थी इसलिए तेज़ थी। पहले इनका भाव था 70-75 का भाव मटर का, इस टाइम पे 45-46 का भाव है फिल्टर माल, और किसानी माल का 37-3800 रुपये का भाव है। आज का क्या भाव है अगर आज की बात? अगर आज की बात फिल्टर माल का ही बात करें तो 45-46 का भाव है, और अगर मान लें किसानी माल की बात करें तो 37-38 रुपये का भाव है मटर सफ़ेद। तो आगे क्या लग रहा है कि आगे नहीं, आगे बिल्कुल मटर का भाव नहीं बढ़ेगा, कुछ ना कुछ 200-300 रुपए मंदी होगी, तेज होने का कोई चांस नहीं है। मेरा नाम राजवीर जैन है और हम नए बाजार में जो है अपना ट्रेडिंग का काम करते हैं दालों का। चना दाल का जो है क्या भाव है आज? दाल चना इस टाइम 80-80 रुपए का भाव चल रहा है अच्छी दालों का, और मटर का भाव 45 रुपए है सफेद मटर का भाव, ये बहुत मंदी हुई है मटर सफेद ना। मूंग दिल्ली का भाव 100 रुपये से ऊपर चल रहा है, 104-103 के आसपास चल रहा है। हरड़ दाल इस टाइम सबसे ज़्यादा महंगी है, 150 के बहुत जो हरड़ दाल का भाव चल रहा है। हरड़ दाल का? हाँ जी, हाँ जी। क्या कारण है? बस पीछे से कुछ माल कम आ रहे हैं और यहाँ भी क्रॉप जो है कम है, इस वजह से काफ़ी टाइम से जो है ना हरड़ दाल तेज़ी में चल रही है। और काबली चना भी 100 रुपये से ऊपर है, लेकिन इसमें कोई तेज़ी का असर नहीं है फिलहाल। काली चने काबली चने में? काबली चने। हाँ, काला चना तो अभी जो है 70 से लेकर 75 रुपये तक के भाव है, वो तो काफ़ी टाइम से ठीक ठाक चल रहे हैं। सही, ये हरड़ दालें कहाँ से आ रही है और कहाँ की है ये बताइए? दाल चना इंपोर्ट भी हो रही है और महाराष्ट्र से भी आ रही है, यूपी का भी है। नहीं, कमी वाले तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी टाइम से भाव चल रहा है लेकिन इम्पोर्ट कुछ कम हो रहा है, इस वजह से जो है सारा कुछ ये है। आगे भी फसल आने पर कुछ भाव कम आ जाएगा। तो जिस तरीके से बताया कि हरड़ की दाल में जो है कमी आ रही है, हरड़ की दाल पीछे से भी कम है, उसमें तेज़ी देखने के लिए मिल रही है, वहीं अगर मटर की बात करें तो मटर इस वक्त जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि बीच में तो माल नहीं था लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कि मार्केट में कनाडा से जो है मटर भारी संख्या में आया है, तो इसलिए उसके भाव में तो ज़्यादा तेज़ी नहीं आएगी, भाव नीचे जाने की संभावना है जो है यहाँ व्यापारी बता रहे हैं। हालांकि अभी जैसे मटर जो आता था वो यूपी के कई राज्यों से अलग अलग जगहों से आता था, तो इस बार उसमें कमी आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि कनाडा से भारी संख्या में जो है मटर इस वक्त बाज़ार में मौजूद है। आप हमारी इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिल्ली से मार्केट टाइम्स टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।